हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, जिसके लिए हमने फिश को वॉश कर लिया था, नमक और तेल से हमने इसको वॉश कर लिया था। फिर उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, इसको हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं, जब तक हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने प्याज लिए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमने ग्राइंड कर लिए है, उसके लिए बेसिक मसाले हैं धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। प्याज को हम ऑयल में ऐड कर देंगे। प्याज हमने अच्छे से ब्राउन कर लिए, इसको अच्छे से। ये हमारे खड़े मसाले हैं, जीरा, जायफल, जावित्री, लौंग और काली मिर्च। अब हमारी प्याज भुन चुकी है, हम ये जो हमारे मसाले लिए थे हमने वो ऐड कर देंगे इसमें, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, मसाले भी, और हमने ये जो आपको खड़े मसाले दिखाए थे, जीरा, लौंग, जायफल, जावित्री दिखाई थी, उसको हमने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर इसको हम ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा मसाला भुन चुका है, इसमें हम ये हरा धनिया है जो वो कटिंग करके ऐड कर देंगे, अच्छे से भून लेंगे, फिर मिक्स कर देंगे। ये हमने अदरक की कटिंग कर ली, वो हम मसाले में ऐड कर देंगे। गाइस, ये हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। फ्लेवर मिलते हैं हमें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, मसाला हमारा भुन चुका है, फिर हम इसमें पीसेस ऐड करेंगे वन बाय वन करके। पानी में बॉईल आने के बाद इसमें हम पीसेस ऐड कर देंगे चम्मच। इसमें हम पीसेस ऐड कर देंगे वन बाय वन करके, चम्मच से फूट जाएंगे। अब इसमें हमने पीसेस ऐड कर दिए सभी, तभी तो देखिए ये हमारे डाल दिए हमने पीसेस। ये हमने पीसेस सारे ऐड कर दिए, देखिए अच्छे से। अब इसको हम फुल फ्लेम पे ढककर रख देंगे, फ्लेम पर हमने लिड कवर करके इसको रख दिया है। गाइस, ये हमारी फिश रेडी हो चुकी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसको हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। गाइस, ये हमारी फिश करी रेडी हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।